फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टू कलर की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लेडीज और गर्ल्स के लिए सॉक्स लेके आई हूँ। टू कलर में बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना के कंप्लीट किया। ये 5 और 6 नंबर का परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन डला है। और देखिए, शॉल भी इसकी बहुत ही परफेक्ट से बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत ही आसान डिजाइन है, बिल्कुल ही आसान डिजाइन में मैंने इसको बनाया है। 5 और 6 नंबर बनाए तो आप सेम इतने ही फंदे डालिए और इसी तरह से सेम बुन लीजिए। और आप इसको 7-8 नंबर में बुनेंगे तो इसका मेजरमेंट मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको वहाँ से बुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा, जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही आसान है। तो देखिए, ये हाफ हमने प्लेन बुना है दोनों तरफ से, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये फ्लावर वाला डिजाइन इसके अंदर डाला है। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। 5 और 6 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इसको मैंने 2 कलर में बुना है, एक ऑरेंज लिया है, एक वाइट लिया है, और 10 नंबर की मैंने ये सिलाई ली। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, एक मैंने वाइट लिया है, एक मैंने ऑरेंज लिया है। नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल है। देखिए इस तरह से, जो सिंगल धागे में 4 प्लाई आती है वो वूल है, वर्धमान की है, और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे देखिए इस तरह से डालेंगे, ऐसे लेंगे और नोट लगा लेंगे, इस तरह फंदा बुन लेंगे। अब देखिए, वर्क वाला धागा उंगली पे करेंगे और छोटे धागे को अंगूठे पे। यहाँ से फंदा निकालेंगे, इस तरह से बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसी तरह से हम यहाँ पर 51 यानी 51 फंदे हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो फंदे मैंने डाल लिए हैं, फंदे सिंगल धागे से डाले हैं और इस तरह से थोड़े से लूज फंदे डाले हैं इस तरह से। अब देखिए डिजाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड है, यहाँ से धागा पीछे करेंगे और इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए पूरी रो को बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ, जो फर्स्ट फंदा है इसको ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह बुनते जाएंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, जैसे हमारी ये एक लाइन बन के आई है 2 सिलाइयों में, इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 5 लाइनें बुन लेंगे, यानी 10 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो ये टोटल 10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइनें सीधी तरफ से आई हैं और 5 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 10 सिलाइयाँ बुन ली। अब 11वीं सिलाई है, तो 11वीं सिलाई में इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हमारे पास टोटल 51 यानी 51 फंदे हैं, तो बीच में हमने रखे हैं 21 फंदे,
51 में से 21 गए तो बचे 30 फंदे। 30 फंदों को हमने दो भागों में किया, 15 यहाँ पे किए, 15 यहाँ पे किए, 15 शुरू में, 15 लास्ट में, 21 फंदे बीच में। 5 और 6 नंबर का साइज है। अगर आप 7 नंबर बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 51 की जगह 61 यानी 61 फंदे आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर 20 20 फंदे कर लीजिएगा और सेंटर में 21 फंदे। बिल्कुल बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, 7 और 8 नंबर बन जाएगा। मैं ये 5 और 6 के लिए बनाऊंगी तो मैंने 51 फंदे रखे हैं, नॉर्मल 4 प्लाई की वुल है। 15 फंदे यहाँ पे हैं, 15 यहाँ पे, 21 फंदे बीच में। आप छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 से 6 फंदे कम कर लीजिएगा, 4 फंदे कम कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 13 फंदे बना लीजिएगा, यहाँ पर 13, बीच में 21 फंदे, छोटा साइज बन जाएगा। और बड़ा बनाएंगे तो 10 फंदे यहाँ ज़्यादा डाल लीजिएगा, यहाँ पे 5 फंदे ज़्यादा बन जाएंगे, यहाँ पे 5 ज़्यादा, 20 20 फंदे हो जाएंगे, बीच में 21 रह जाएंगे। सभी साइज का मेजरमेंट मैंने बता दिया है। अब ये है हमारी 11वीं सिलाई, तो मार्कर तक के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, 15 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस मार्कर को निकालेंगे, इस सिलाई पे वापस डाल लेंगे। अब देखिए जो ये बीच के 21 फंदे हैं, यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए ऐसे फंदा बढ़ाएंगे, धागा घुमा के बुनेंगे एक फंदा, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, फंदा बढ़ जाएगा, फिर से बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, ऐसे फंदा बढ़ाएंगे और फिर फंदा बुनेंगे। तो एक बार सिलाई पे लपेटेंगे, फिर फंदा बनाएंगे, फिर सिलाई पे लपेटेंगे, फिर से फंदा बनाएंगे। तो ये बीच के 21 फंदे ऐसे ही धागा घुमाते हुए फंदा बुनते जाएंगे, तो हर फंदे के साथ एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। इस तरह से बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की, ये लेडीज सॉक्स कहिए, लेडीज जुराब कहिए, लेडीज जूती कहिए, बहुत ही प्यारे से फ्लावर डिजाइन डालते हुए हम इसको बुनेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो आप इसको आसानी से बुन लेंगे और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना लेंगे। जिसके उल्टो सीधा बुनना आता है वो भी इसको बना लेगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमने मार्कर के बीच के जो 21 फंदे थे उनको हमने ऐसे एक धागा घुमाते हुए इस तरह से बुन लिया। अब फिर से ऐसे धागा घुमाएंगे और इस मार्कर को वापस इसी नीडल पे ले लेंगे, ये पहचान के लिए रहेगा। आगे के फंदे फिर से ऐसे ही ये 15 फंदे बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को इस तरह से बुन लिया। तो ये देखिए बीच में हमारे फंदे बढ़ गए हैं। अब आए उल्टी तरफ 12वीं सिलाई में। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदे मार्कर तक के फंदे ऐसे ही बुनेंगे। ये 15 फंदे हम बना के इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मार्कर को वापस इसी सिलाई पे हम ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए धागा पीछे ही रहेगा और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फंदे को किस तरह बुनेंगे। ये हमने धागा घुमा के फंदा बनाया है तो ये बड़ा हुआ फंदा, अगर इसको यहीं से ही बुन देंगे तो यहाँ पर होल बन जाएगा। तो यहाँ से सिलाई डाल लेंगे ऐसे और इसको निकाल के और इस तरह से इसको इस तरह से लिया, इसके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे,
यहाँ आगे की तरफ से ऐसे पलट के डालेंगे तो ये फंदा बन गया। पलटने के बाद फिर इसको बुन लेंगे। ये बुना हुआ फंदा है, इसको ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए ये फिर बढ़ाया हुआ फंदा है, तो इसमें सिलाई डाल लेंगे इस तरह से यहाँ से, और अब इस सिलाई को आगे की तरफ से ऐसे डाल लेंगे इस तरह। तो ये फंदा बन गया पलटने के बाद, फिर इसको सीधा बुनेंगे। बुने हुए फंदे को फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। ये जाली वाला फंदा है तो इसको लेंगे ऐसे लेंगे, फिर ये सिलाई है जो इसको यहाँ आगे की तरफ से इसके बीच में ऐसे डाल के ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी आपको होल नज़र ही आएगा। देखिए इस तरह से हमारे फंदे बनते जाएंगे। इसको लेंगे यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से फंदा बना लेंगे। इस फंदे को फिर से ऐसे ही बुनेंगे। अब ये जाली वाला फंदा है, इसमें यहाँ से सिलाई डाल के इसके आगे की तरफ से इसके बीच में ऐसे सिलाई इस तरह से डाल लेंगे। फंदा पलट जाएगा और फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ तक हम जो जाली वाला फंदा उसको पलट के बुनेंगे, सिंगल फंदे को ऐसे ही बुनेंगे, लास्ट के फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस सिलाई को बना के फिर मैं दिखाती हूँ अगली सिलाई में फंदे कैसे बढ़ाएंगे। ये हमारी 12वीं सिलाई है, उल्टी तरफ है। तो ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई 12वीं सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ 13वीं सिलाई में। तो देखिए मार्कर तक के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। अब पहले हमारे यहाँ पर 21 फंदे थे, अब हमने बढ़ाए तो हमारे यहाँ पर फंदे देखिए काउंट करेंगे कितने बन गए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 2 42 और 1 43, 43 फंदे बन गए हैं। अब हमारे यहाँ पर 43। अब देखिए अब की बार किस तरह से बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 15 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, फर्स्ट फंदा उतारेंगे और मार्कर तक के फंदे ये 15 फंदे बुन लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए मार्कर तक के 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को वापस इसी निडल पे लेंगे। अब देखिए पहले हमने ऐसे फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना, फिर फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बुना। अब ये फंदा हमने बढ़ा लिया, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3, 3 फंदे बुनने के बाद फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे। 2 3, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे। अगर हर एक फंदे पर हमने फंदा बढ़ा दिया तो फंदे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे और इसकी शेप सही से बन के नहीं आएगी। तो ये बढ़ाया 1 2 3, फिर फंदा बढ़ाया, फिर से 3 फंदे बुने। देखिए यहाँ तक हम इसी तरह से फंदे बढ़ाते जाएंगे, 3 बुनेंगे 1 बढ़ाएंगे, 3 बुनेंगे 1 बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी लास्ट में 3 फंदे बुनने के बाद मार्कर के साथ में एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर मार्कर लगाएंगे, इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस सिलाई को बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसको किस तरह से बनाएंगे। तो इस 13वीं सिलाई को हमने पूरी को बुन लिया, सेंटर में 3 फंदे बुने, फिर 1 बढ़ाया, 3 बुने 1 बढ़ाया, लास्ट के फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ 14वीं सिलाई में। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे धागा पीछे, ये 15 फंदे इसी तरह से बुन लेंगे। अब देखिए मार्कर तक के 15 फंदे हमने बुन लिए, अब इस मार्कर को वापस इसी सिलाई पर ले लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ये फंदा हमारा बड़ा हुआ है, तो इस फंदे को लेंगे ऐसे सिलाई में ऐसे डाल लेंगे और इसके आगे की तरफ से ऐसे पलट के इसको बुन लेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3, ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको यहाँ से लेंगे, फिर इसके आगे से ऐसे लेके ऐसे बुन लेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे। तो 3 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, बड़े हुए फंदे को पलट के बुन लेंगे।
यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, आगे के सीधे फंदे बुन लेंगे, तो ये हमारी 14वीं सिलाई बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए 7 लाइनें हमारी बन गई हैं और फंदे बढ़ाने वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में 15 फंदे हैं, लास्ट में हमारे 15 फंदे हैं और बीच में हमारे यहाँ पे 61 फंदे हैं, यानी 61 फंदे हमारे अब सेंटर में हैं मार्कर के बीच में। जो बीच में फंदे हैं मार्कर के, इसमें हम डिजाइन डालेंगे और स्टार्टिंग के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और मार्कर तक 15 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए मार्कर तक के 15 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर डिजाइन डालेंगे तो सेकंड कलर को यूज करेंगे। तो एक फंदा हम ब्लैक इससे बनाएंगे, ऑरेंज कलर से इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, एक फंदा वाइट से बनाएंगे, एक फंदा हम फिर से ऑरेंज से बनाएंगे, फिर से एक फंदा वाइट से बनाएंगे, इस धागे को अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, फिर से एक ऑरेंज से बुनेंगे, फिर से एक फंदा वाइट से बनाएंगे, फिर से एक फंदा ऑरेंज से बनाएंगे, फिर से एक फंदा वाइट से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक मार्कर तक इन फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, एक ऑरेंज एक वाइट, एक ऑरेंज एक वाइट, धागे को इस तरह से आपस में क्रॉस कराते जाएंगे, फिर से एक ऑरेंज। तो मार्कर तक इन फंदों को 61 फंदों को ऐसे ही बुनेंगे। तो ये मार्कर तक के फंदे हमने बुन लिए हैं, अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस धागे को यहीं पे छोड़ेंगे और आगे के फंदे वाइट से बुन लेंगे। तो लास्ट तक इनको ऐसे ही बुनेंगे। तो ये फंदे बुन लिए, अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए, अब हम सीधी सिलाई नहीं बुनेंगे, उल्टी सिलाई ही बुनेंगे। अब ये डिजाइन चेंज, ये कलर चेंज करने के बाद यहाँ से सीधी बुनी है तो उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे। पहले हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते आए हैं, अब यहाँ से डिजाइन डलेगा तब से हम उल्टी बनाएंगे। तो ये 15 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये 15 फंदे हमने बुन लिए, अब यहाँ से हमारे सेंटर के फंदे हैं जिसमें हमने डिजाइन शुरू किया है, ये फंदा सेंटर का है। अब देखिए यहाँ से इसको बुनेंगे तो पहले ऐसे धागे को क्रॉस कराएंगे, अगर क्रॉस नहीं कराएंगे और टाइट नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपका होल नज़र आएगा। इस तरह से इसको बुनेंगे, अब इसको वाइट से बुनेंगे इस तरह से, फिर इसको ऑरेंज से बुनेंगे, वाइट को फिर से वाइट से बुनेंगे, ऑरेंज को ऑरेंज से बुनेंगे इस तरह से, वाइट को वाइट से बुनेंगे। तो ये सेंटर के फंदे ऐसे ही जो जिस कलर का है उसी कलर से बुनेंगे और आगे के 15 फंदे वाइट से बुनेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा बुनते जाएंगे। तो ये बना के फिर आगे दिखाते हैं। उल्टी सिलाई बुन ली है, अब डिजाइन की तीसरी सिलाई राइट साइड। तो यहाँ ये जो 15 फंदे हैं इसमें से 14 फंदे हम बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, ये 15वां फंदा है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, इस फंदे को हम ऑरेंज बनाएंगे, ऐसे धागा क्रॉस कराएंगे और इसको ऑरेंज बुन लेंगे।
अब जो ये ऑरेंज फंदा है आगे सेम ऐसे ही बुनते जाएंगे, धागा क्रॉस कराएंगे, ऑरेंज को वाइट बुन लेंगे और वाइट को ऑरेंज बुन लेंगे, ऑरेंज को फिर से वाइट बना लेंगे, वाइट को फिर से ऑरेंज बुन लेंगे, ऑरेंज को फिर से वाइट बनाएंगे, कलर चेंज करके फंदा बुनते जाएंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम बुन लेंगे। जब हमारा ये 15वां फंदा आएगा इस फंदे को भी हम साथ में बुनेंगे। ये फंदा हमारा वाइट का बनेगा तो ये वाइट वाला फंदा हमारा यहाँ पर ऑरेंज का बन जाएगा लास्ट वाला फंदा। तो इसको बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। इस तरह से कलर चेंज करते हुए इसको ऐसे बुन लेंगे। तो ये सेंटर के फंदे बुन लिए, ये हमारे 15 फंदे हैं, इसमें से ये एक फंदा अब हम जैसे स्टार्टिंग में बुना था कलर चेंज करके ये हम साइड वाला फंदा हमने बुन लिया। अब आगे 14 फंदे हैं, इनको हम वाइट से बुन लेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की ये सॉक्स बनेगी और फ्लावर डालते हुए हम इसको बनाएंगे इस तरह से। तो ये लास्ट के 14 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब डिजाइन की तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई उल्टी तरफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी डिजाइन की, सेम ऐसे ही बनाएंगे उल्टी उल्टी। वाइट फंदे वाइट से बुनेंगे, ऑरेंज फंदे ऑरेंज से, वाइट वाइट से और ऑरेंज ऑरेंज से, ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक इसको पूरा कर लेंगे। जब हम यहाँ बुनते आएंगे तो एक बार आप धागे को क्रॉस जरूर करा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको होल नज़र आएगा। तो पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से इसको बुन लेंगे। तो ये बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। तो देखिए डिजाइन की चार सिलाइयाँ बन गई हैं। अब आ जाइए पांचवी सिलाई फिर से सीधी तरफ। अब देखिए जो 14 फंदे थे, एक फंदा हमने ऑरेंज बुन लिया था 15वां, तो अब 15 फंदे ये इस फंदे को भी वाइट ही बुनेंगे। तो टोटल 15 फंदे हम यहाँ पर बुनेंगे। तो ये 14 फंदे हैं, ये 15वां फंदा भी अब हम वाइट से ही बुनेंगे, इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। अब देखिए ये फंदा जो वाइट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से डिजाइन ऑरेंज बुनेंगे, फिर इसको वाइट बुनेंगे, फिर इसको ऑरेंज बुनेंगे, फिर से इसको वाइट बुनेंगे, फिर से इसको ऑरेंज बुनेंगे। और अब जो तीन फंदे हैं इनको अब हम यहाँ पे वाइट बुनेंगे, एक दो तीन। तो अब देखिए एक दो तीन, तीन हमने ऑरेंज बनाए, एक वाइट एक ऑरेंज, एक वाइट एक ऑरेंज, एक वाइट एक ऑरेंज, और तीन फंदे फिर वाइट। तो टोटल ये हमने बनाए हैं 2, 4, 6 और 3, 9। इन्हीं ही 9 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए इस फंदे को फिर से ऑरेंज बनाएंगे, ऑरेंज को फिर से वाइट, फिर से ऑरेंज, फिर से वाइट और फिर से ऑरेंज। तो अब फिर हमने ये तीन ऑरेंज बना दिए, फिर से तीन वाइट बना लेंगे, एक दो तीन। तो अब की बार देखिए फिर से हम बुनेंगे इस वाइट को ऑरेंज, फिर से एक फंदा वाइट, फिर से एक फंदा ऑरेंज, फिर से एक फंदा वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तो देखिए ये तीन वाइट बनाने के बाद आगे तीन फंदे हमारे ऑरेंज के हैं डिजाइन के, फिर
फिर से तीन वाइट बुनाएंगे, एक दो तीन, फिर से देखिए एक ऑरेंज, एक फंदा वाइट, फिर से एक ऑरेंज, फिर से एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तो फिर से ये तीन फंदे बन गए। तीन फंदे बुनने के बाद फिर से हम तीन फंदे वाइट के बना लेंगे, एक दो तीन। फिर से देखिए एक वाइट ऑरेंज, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तो ये तीन फंदे ऑरेंज बन गए। अब फिर से तीन फंदे वाइट, एक दो तीन। तीन फंदे वाइट बनाने के बाद फिर से एक ऑरेंज, एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज, फिर से एक वाइट, एक वाइट और फिर से एक ऑरेंज। तो तीन ऑरेंज बन गए। फिर से तीन फंदे वाइट, एक दो तीन। अब देखिए फिर से एक ऑरेंज, एक वाइट, एक फंदा फिर से ऑरेंज, फिर से एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तीन फंदे ऑरेंज बनने के बाद फिर से तीन फंदे वाइट, एक दो तीन। फिर से देखिए एक ऑरेंज, एक फंदा वाइट, एक ऑरेंज, फिर से एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तीन फंदे ये हमारे ऑरेंज बन गए। अब ये फंदा हमारा, ये 14 फंदे, ये 15वां फंदा, तो इसको वाइट बुनेंगे और आगे के फंदे भी हम वाइट ही बुनते जाएंगे। तो ये डिजाइन की हमारी पांचवी सिलाई है, सीधी तरफ है। तो ये आगे के फंदे ऐसे ही सीधा सीधा बुन लीजिए। तो अब आ जाइए उल्टी तरफ छठी सिलाई में, फिर से इसको ऐसे ही बुनेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बुनते हुए उल्टा सिलाई बुन लेंगे। वाइट फंदे वाइट के बनाएंगे और ऑरेंज वाले ऑरेंज से बुनेंगे। सेम ऐसे ही बुन के इसको कंप्लीट करेंगे। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे। अब आ गए सीधी तरफ डिजाइन की सातवीं सिलाई में। तो अब देखिए कैसे बुनेंगे। अब हमारे पास ये स्टार्टिंग में 15 फंदे हैं। एक फंदा हम और बुन लेंगे यहाँ से, तो हमारे 16 फंदे वाइट बन जाएंगे। और जब आप इस डिजाइन को बनाएंगे तो इसको इस तरह से सिलाई पे फंदों को फैला के रखिएगा, डिजाइन बिल्कुल अच्छे से बन के आएगा। अगर आप ऐसे करके बुनते जाएंगे तो ये डिजाइन टाइट हो जाएगा और अच्छे से डिजाइन नहीं आएगा। फंदों को ऐसे फैला कर रखिएगा बुनते वक्त। तो यहाँ पर 15 फंदे हमारे हैं, एक फंदा हम और आगे से लेके 16 फंदे बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे हमने बुन लिए। अब आगे से एक फंदा और लेके इसको भी वाइट ही बना लेंगे। इस धागे को टाइट करेंगे ऐसे। अब देखिए जो वाइट फंदा है इसको अब हम ऑरेंज बनाएंगे, इस तरह से ऑरेंज को वाइट बनाएंगे। अब इस वाइट को ऑरेंज बनाएंगे। तो देखिए दो ये यहाँ तक हमने 16 फंदे, पहले 15 थे अब 16 फंदे बन गए हैं। फिर दो फंदे ये वाइट के ऑरेंज के हैं, एक वाइट का। ये बनाने के बाद अब यहाँ पर हम, पहले हमने तीन फंदे वाइट बुने थे, अब साइड का एक एक फंदा और वाइट बना लेंगे। तो अब यहाँ पर 5 फंदे वाइट के बन जाएंगे, 4 5। तो देखिए इस ऑरेंज से लेके 3 और 5, 8 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे। एक बार और बना के दिखाती हूँ। एक ऑरेंज, एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज, और अब ये देखिए 3 फंदे ये वाइट के हैं, दोनों तरफ से एक एक और वाइट करेंगे। तो 5 फंदे यहाँ पे वाइट के बुनेंगे।
बुनते वक्त इसको ऐसे फैला के रखिएगा डिजाइन को, बहुत ही अच्छा सा बन के आएगा ये। तो 4, 5, तो ये दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। फिर से ऐसे ही करेंगे, एक ऑरेंज, ऑरेंज वाला वाइट, वाइट वाले को ऑरेंज, और फिर से 5 फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से इन फंदों को बुनते जाएंगे, और लास्ट के फिर से देखिए, ये एक फंदा हमारा और यहाँ से ऑरेंज वाला वाइट बन जाएगा। यहाँ पर 16 फंदे वाइट के बनेंगे, यहाँ तक हमारा डिजाइन बनता जाएगा। सेम ऐसे ही बना लीजिएगा, एक ऑरेंज, एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज, फिर से 5 वाइट। चार, पांच, इसी तरह से बनाएंगे, 5 वाइट, फिर से एक ऑरेंज, एक वाइट, फिर से एक ऑरेंज। तो डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब आगे का के 15 फंदे वाइट हैं, एक फंदा ये और वाइट बुनेंगे, तो टोटल 16 फंदे आगे वाइट के बनाए जाएंगे। इस तरह से वाइट वाइट बुनेंगे, और उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा है उसको उसी कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। तो अब आ जाइए सीधी तरफ 9वीं सिलाई में। अब देखिए, पहले हमने यहाँ पर 2 ऑरेंज रखे थे और 5 वाइट थे, 2 ऑरेंज थे, बीच में 1 वाइट था। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास पहले 15 फंदे थे, अब 16 फंदे हमारे बने हुए हैं। अब की बार एक फंदा और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर अब हम 17 फंदे वाइट बुन लेंगे। तो ये 16 फंदे बन गए, अब की बार एक फंदा और बढ़ जाएगा, तो 17 फंदे हमारे वाइट के बनाए गए। इसको टाइट करेंगे। अब देखिए, जो ये वाइट वाला फंदा है इसको अब हम क्रॉस कराते हुए ऑरेंज बुन लेंगे। अब देखिए, 5 फंदे बीच में वाइट के हैं, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, तो टोटल 7 फंदे हमारे अब वाइट के बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए, ऑरेंज से लेके और यहाँ तक इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक फंदा ऑरेंज, फिर से 7 फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। अब ये फंदा ऑरेंज का, इस धागे को लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, खींच के फंदे ऐसे फैला कर रखेंगे, तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। अब 5 फंदे ये बीच में वाइट हैं, एक इस साइड का वाइट करेंगे, एक इस साइड का, तो टोटल 7 फंदे वाइट बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से एक फंदा ऑरेंज। तो इसी तरह से हम इस पूरे यहाँ तक बुन लेंगे, एक ऑरेंज, 7 वाइट, एक ऑरेंज, 7 वाइट, इस तरह से बुनते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। लास्ट के फिर से ये 17 फंदे, एक फंदा और यहाँ से बन जाएगा हमारा वाइट का, 16 ये हैं, एक ये, 17 फंदे बन जाएंगे। और उल्टी तरफ से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे। तो देखिए, डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। 10 सिलाइयों का डिजाइन था, और इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया है।
अब देखिए जो ये ऑरेंज कलर है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये पूरे आगे के पैटर्न को वाइट से बुनेंगे। तो अब यहाँ से सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे, इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे इसी कलर से बुनेंगे और सेकंड कलर को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये यहाँ से मैंने सेकंड कलर को कट कर लिया है और इसको ऐसे टाइट करेंगे, इस धागे के अंदर इसको ऐसे टाइट करके ऐसे दबा लेंगे अंदर की तरफ, ताकि ये फंदा लूज नहीं रहेगा और ये टाइट हो जाएगा अंदर की तरफ इसको अगर ऐसे दबाएंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनिए, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। तो सीधी तरफ से चार सिलाई सीधी बुनेंगे, उल्टी तरफ से चार सिलाई उल्टी, टोटल आठ सिलाई हम बना के फिर आगे आपको इसको दिखाएंगे। तो देखिए डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमने टोटल सात सिलाइयाँ बुनी हैं, सीधी तरफ से सीधी हैं और उल्टी तरफ से उल्टी हैं। अब देखिए जो आठवीं सिलाई आएगी उसको भी हम उल्टा नहीं बनाएंगे, अब हम इसको सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। डिजाइन के बाद हमने सात सिलाइयाँ बुनी हैं, सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी। अब ये आठवीं सिलाई को सीधा बनाएंगे, नौवीं सिलाई को भी सीधा और दसवीं सिलाई को भी सीधा ही बुनेंगे। तो टोटल यहाँ पे अब हम ये तीन सिलाइयाँ सीधी सीधी बना लेंगे इस तरह से। ये जो एक धारी बन के आई है देखिए, सीधी तरफ से मैं आपको दिखाऊंगी, जिस तरह से एक धारी बनी है ऐसे ही एक धारी और बना लेंगे। तो दो ये धारियां बना के दो लाइनें, और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसकी फंदों की घटाई कैसे करेंगे। तो देखिए तीन सिलाइयां सीधी सीधी बुन ली हैं, तो हमारी ये दो लाइनें बन के आई हैं। टोटल फंदे हमारे पास 91 यानी 91 फंदे हैं। तो इनको तीन भागों में डिवाइड करेंगे, सेंटर के हम यहाँ पे 11 फंदे रखेंगे, 91 में से 91 में से 11 गए तो बचे 80। 80 फंदों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, 40 फंदे आगे रखेंगे और 40 फंदे लास्ट में रखेंगे। तो 40 फंदे यहाँ पे हैं, 40 फंदे शुरू में हैं, बीच में 11 फंदे हैं। अब हम इसकी घटाई करेंगे, तो मार्कर तक के 40 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये 40 फंदे बुन लिए हैं, अब इस मार्कर को वापस इसी निडल पे डालेंगे। अब देखिए जो ये 11 फंदे हैं सेंटर के, इसमें से 10 फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। 10 फंदे बुन लिए, ये हमारा 11वां फंदा है। इसको निडल पे लेंगे और मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे, इसको वापस इसी निडल पे लेंगे। 11वां फंदा एक आगे से लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे की तरफ से दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब ये जो दो का एक किया है इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10। 10 फंदे हमने बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया। अब ये है 11वां फंदा, इसको लेंगे निडल पे, मार्कर को निकाल लेंगे, वापस इसी पे डाल लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक उल्टा फंदा बना देंगे ऐसे।
अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो जिस तरह से इस एक सिलाई में फंदे घटाए हैं, ऐसे ही हम फंदे घटाते जाएंगे। इसको उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये 11वां फंदा है। एक फंदा आगे से लेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, ऐसे बैक लूप से दो का एक बुन लेंगे। यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, फिर से 10 फंदे बनाएंगे। इसको उतारेंगे, सेंटर के जो 11 फंदे हुए हमारे ऐसे ही रहेंगे, साइड से एक एक फंदा लेके दोनों तरफ से फंदे घटते जाएंगे। तो ये 10 फंदे बुन लेंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधी बुनाई होगी, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 11वां फंदा है, आगे से एक लेंगे, दो का एक ऐसे उल्टा बना लेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए ये घटाई हमारी सेंटर की शुरू हो गई है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से यहाँ के फंदे, सेंटर के 11 फंदे ऐसे ही रहेंगे, 11वें फंदे के साथ आगे से फंदा लिया और दो का एक कर देंगे। तो ऐसे ही लास्ट तक हम, जब यहाँ पर हमारे 5 फंदे बच जाएंगे और यहाँ पर भी 5 फंदे बचेंगे, तब तक हम इन सभी फंदों को घटाते जाएंगे। तो ये इतने पोर्शन को बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाएंगे आगे इसकी एडी कैसे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने घटाई इस तरह से कर ली है। सेंटर के 11 फंदे हैं, दोनों सिलाइयों पे यहाँ पे 5-5 फंदे हैं। अब देखिए इसकी एडी किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 5 फंदे हैं, 3 और 2 5, बीच में 11 फंदे हैं। अब देखिए ये बुनेंगे, 11 में से 10 फंदे बुनेंगे। अब ये 11वां फंदा, एक फंदा आगे से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब देखिए ये बीच में सिंगल फंदे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो का एक किया, फिर 5 फंदे सिंगल बुने, अब फिर से दो का एक करेंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये 11वां, एक आगे से लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे ऐसे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, अब देखिए ये फंदे हैं, इनका दो का एक करेंगे ऐसे। अब ये फंदा और आगे से एक फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार, अब फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे, आगे वाले को लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे। अब देखिए यहाँ से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से। अब ये फंदा और आगे से, तो हमारे बीच वाले फंदे भी घट जाएंगे और साइड वाले भी फंदे घट जाएंगे। इसको लेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब फिर से दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर ये फंदा आगे से लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, इसको बुनेंगे।
अब ये फंदा एक आगे से, फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, वे बीच के दो का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये एक आगे से लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और इसको बुनेंगे। अब ये फंदा एक आगे से, तो इस तरह से दो का एक करेंगे। तो इस सिलाई के फंदे देखिए हमारे कम घट गए हैं। अब यहाँ से लेंगे, इसको उतार लेंगे इस तरह, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सिंगल बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक ये ग्यारहवां एक साइड वाला फंदा लेके दो का एक करेंगे। अब देखिए यहाँ से इन तीन फंदों का एक फंदा हम बना लेंगे इस तरह से, तीन में सिलाई डाल लेंगे और तीन का एक फंदा ऐसे बुन लेंगे इस तरह। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसके अंदर से ही इसको निकाल लेंगे ऐसे। नीचे इसकी कोई सिलाई नहीं होगी, इस तरह से हमारी घटाई बन के आ गई है और ये एडी की शेप बन गई है। सिर्फ इतने पार्ट को ही हमने इसको सिलना है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई देखिए हम यहाँ के से इसकी सीधी तरफ से ही करेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से, फिर इस लाइन से उठाएंगे, फिर इस लाइन से फंदा उठाएंगे, इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। एक बार यहाँ से फंदा उठाएंगे, एक बार यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, इसी तरह से हम इसकी यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ भी इस डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते जाएंगे और यहाँ तक सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। यहाँ कहीं पर भी आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा ज्वाइंट यहाँ पर लगेगा। तो देखिए जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब डिजाइन वाली टू कलर में कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।